सुप्रा मिल गई हमें, पर तो गाइस स्वागत है आपके मेरे चैनल पर, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो लास्ट पार्ट में हमने स्काईलाइन के ओनर का इंटरव्यू लिया और मस्त अंदर बैठे, और उसके बाद हम गए ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, बहुत एंटीक कार्स देखी हमने वहाँ पे। पूरा व्लॉग आप देख सकते हो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर। पर गाइस सुप्रा फाइनली इस व्लॉग में, आगे देखिए। भाई बढ़िया एक्सपीरियंस था एकदम पूरा ट्रैक का। और अब जो हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ चलिए गंदी वाली ड्रिफ्टिंग। क्या तो भाई ड्रिफ्टिंग देख ली थी, मेरा भी फोन चार्ज हो गया। अरे हमें मिल गया हमारे दोस्त। हेलो, की हाल है तुहाडे? हेलो हेलो, किवें हो तुसी? वधिया वधिया सर, वधिया। तुसी किवें हो? बस ये है, अपना नाम बता दो ना मेरे को यार। मेरा नाम जसप्रीत है। जसप्रीत है, यस। बताओ गाड़ी का नाम बताओ क्या है यार, वो मत पूछो यार, कम ऑन। गाइस सुप्रा मिल गई हमें, पर MK1 वाला मॉडल मिला, बट कोई बात नहीं, चेक करो। ये रही इसकी एक ही बत्ती चल रही है, बढ़िया मेंटेन कर रखी है, फिर भी इतनी पुरानी गाड़ी हो भाई। यह है पुरानी वाली टोयोटा सुप्रा। यह देखो भाई 1970 की फोर्ड मस्टैंग। अरे हटो भाजी, 1970 फोर्ड मस्टैंग, और ओनली वन इन यूके है ये, ओनली वन इन द होल यूके। काश ये शूट करने के बाद मैं थोड़ा सा और आगे चला गया होता, क्योंकि ये देखें आप। दिग्गी तो पूरा दिग्गी हो जा रही है। जिस कार से इतनी यादें जुड़ी हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस, इतनी सारी वीडियोस, और आज सुबह से मैं इसी गाड़ी को ढूंढ रहा था। फाइनली वो मेरे सामने से जा रही थी कार शो की तरफ, पर मैं इसको ढूंढने के लिए पागल हो रहा था। चलिए देखते हैं क्या मैं इसमें बैठ पाऊंगा या नहीं। देख लो भाई एरियल व्यू,
इधर लगा है मस्त कार मीटअप, और ये खड़ी है स्काई लाइन्स लाइन से, और ये वाली अपनी नीचे जिसका हमने लिया है इंटरव्यू। वहाँ पे चल रही थी ड्रिफ्टिंग उधर। एंड गाइस आई एम सो हैप्पी टुडे। अभी यार एक सुपरा दिखी तो थी, पता है अभी एक सुपरा दिखी तो थी, बट वो मेरा फ़ोन बंद था और मैं चल रहा था रोड पे और वो जा रही थी आगे की तरफ। अब उसको चेस करते करते हम यहाँ तक आ तो गए, बट आई कांट सी इट एनी वेयर हेयर। आपको क्या लगता है वो सुपरा किधर की होगी? तो उसकी छोटी सी क्लिप ही मिली है मेरे को, सुपरा आई नहीं यार रोड शो में। कोई बात नहीं गाइस, सुपरा फैंस मेरे को तो मैंने तो देख ली भाई, पीछे साफ साफ लिखा है बच के रहना। पूरा न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट लगा है, न्यूयॉर्क डॉज चैलेंजर यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, ये सारे एनवाईपीडी पुलिस और इस सब का लगा रखा है। भाई भूल गया है ड्रिफ्ट वाले एरिया, अब मस्त कार शो लग गया यहाँ पे, जितनी भी गाड़ियाँ अभी ड्रिफ्ट शो कर रही थी या नो अप फॉर कार शो। तो चेक करते हैं सारी कार से एक करके। हमारे सामने भाई है वन व्हील बेबी, ही इज गिविंग ऑटोग्राफ टू एवरीवन, अपने लोग भी चलते हैं मस्त ऑटोग्राफ लेते हैं। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आगे क्या हुआ वो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।